डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। इफ योर माइंड कैन कंसीव इट, इफ योर हार्ट कैन बिलीव इट, देन यू कैन अचीव इट। दीज आर द लाइन्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। इफ योर माइंड कैन कंसीव इट, कंसीव मीन्स कल्पना करना, इमेजिन करना। यदि आपका मस्तिष्क किसी चीज के बारे में कल्पना करता है, इफ योर हार्ट कैन बिलीव इट, और आपका हृदय, आपका दिल उस चीज पर विश्वास करता है, देन यू कैन अचीव इट, तब आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। कहने के लिए ये, कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपको कोई भी कार्य करना है, किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसके लिए अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी अंतरात्मा को, सारी चीज़ों को एकाग्रचित करके रखना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। इन्हीं पंक्तियों को सूक्तिपात करते हुए आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोरल पोएम, ए फोटोग्राफ, इसका स्टडी करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फोटोग्राफ मतलब जानते हैं आप, चित्र होता है, जो अभी आपकी फोटो जो स्नैप्स होती हैं, या कार्डबोर्ड भी इसको बोला जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका ये न्यू सिलेबस है जो है क्लास 11 का, इसके पहले कितने भी सिलेबस थे सब चेंज हो चुके हैं, न्यू सिलेबस आया हुआ है। ए फोटोग्राफ विच आर कंपोज्ड बाय सरली टॉम्पसन। सरली टॉम्पसन वाज अ ग्रेट पोएटिस ऑफ इंग्लैंड। सरली टॉम्पसन क्या थी, एक बहुत ही महान कवयित्री थी जो है इंग्लैंड की। सोशल एक्टिविटी में जो है काफ़ी इन्वॉल्व रहती थी, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट भी, पत्रकार भी थी, बहुत फेमस, बहुत ही फेवरेट टीचर बच्चों की हुआ करती थी, बहुत प्रिय अध्यापक हुआ करती थी। ठीक, तो इनका जो जन्म था वो जो है 1924 में हुआ था, 20 मई 1924 को जो है आपकी सरली टॉम्पसन का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, और इनकी फर्स्ट बुक जो आई हुई थी, फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी वो 1960 में पब्लिश हुई थी। तो आइए देखते हैं कि फोटोग्राफ मीन्स क्या होता है, इस पोएम को लिखने का जो उद्देश्य है, इस पोएम को लिखने का जो आयम है, जिस पर्पज को लेकर के मस्तिष्क में आपकी इस पोएटिस ने जो है, आपकी इस कवित्री ने विचार बनाया कि हाँ मुझे ये पोएम लिखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोएटिस टेल्स अस अबाउट ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के बारे में बताया हुआ है आपकी कवित्री ने। दैट इज शॉर्ट लिव, आपका मानव जीवन क्या है, शॉर्ट लिव, अल्पकालिक। Life is a small gap between birth and death. Life is a dry cup which people try to sip. जीवन जो है जन्म और मृत्यु के बीच का एक छोटा सा गैप है। जीवन एक सूखे प्याले की तरह है, इसे लोग जिसकी जो है चुस्की लेने का प्रयास करें, चूसने का प्रयास करते हैं। उसी ह्यूमन लाइफ के बारे में आपकी जो है सरली टॉम्पसन बता रही हैं, और कहने की शॉर्ट लिव, अल्पकालिक, ट्रांसिएंट। फर्दर ही सेज दैट, फर्दर ही टेल्स अस अबाउट थ्री स्टेजेज ऑफ लाइफ। इस पोएम में डिस्क्राइब करेंगे, वर्णित करेंगे जो है मानव जीवन की तीन अवस्थाओं के बारे में, जो आपकी जो है चाइल्डहुड, यंग एज, उसके बाद आपकी ओल्ड एज आती है। ही सेज चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ एंड यूथ एज स्लिप्स इनटू ओल्ड एज। मतलब कब पता ही नहीं लगता हम पैदा कब हुए, हम कब जो है जवानी में प्रवेश किए, और कब बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ने लगे, ये चीज़ें जानकारी ही नहीं मिल पाती हैं, समय बीतता जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जो है आपकी पोएटिस ने जो है कवित्री ने बताया हुआ है। एक्चुअली जो फोटोग्राफ है, आपको बता दिया गया, जो फोटोज होती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, जो तस्वीरें होती हैं, वो बीते समय की याद दिलाती हैं। आपकी भी जो है, जो पिछली जो है पीछे समय की तस्वीरें होंगी, वो कोई ना कोई जो है संस्मरण, कोई ना कोई याद संजो करके रखती हैं। जब आप उन फोटोज को देखते हैं तो वो यादें आपके सामने ताज़ा हो जाती हैं। सेम वे में जो है आपकी जो पोएटिस है सरली टॉम्पसन, एक फोटोग्राफ है जिसमें उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी की दो चचेरी बहनें हैं, उन उसी फोटो को देख रहे हैं, उनकी जो है दो मम्मी जो है दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र के जो है किनारे छुट्टियाँ मनाने, समुद्र पर छुट्टियाँ मनाने के लिए गई हुई है। उसी फोटोग्राफ को देख करके आपकी पोएटिस के मन में ये सारे विचार आ रहे हैं, जो आपकी टेक्सुअल लाइन में, इंस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए इनका वन बाई लाइन जो है स्टडी करें, उसके बाद उनकी मीनिंग को समझें,
क्या कहना चाह रही है, इसके पीछे की जो थीम है, आइए उन सारी चीजों को जो है हम देखने का प्रयास करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। सरली टॉमसन सेज दैट द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड मींस बेटा फोटो, स्नैप्स, ठीक है। जो फोटो है उस तस्वीर को देख रहे हैं जो उनकी मम्मी की है, उनकी दोनों छोटी बहनों की, जो समुद्र तट पे गई हुई है पैडलिंग करने के लिए। पैडलिंग मतलब पानी में जो है छिपाक से चलने की जो आदत होती है, छिपाक छिपाक करके चलना, उसी को पैडलिंग बोलते हैं, पैडलिंग कर रहे हैं। उसी के समय उनकी अंकल ने, उनकी मम्मी के अंकल ने जो है वो फोटो खींची हुई है, और उसी फोटो को देख करके जो है सरली वो जो है कह रहे हैं द कार्डबोर्ड शोज मी, ये जो फोटो है इसको देख करके लगता है, या फोटो जो है हमें प्रतीत कराती है, हमें दिखाती है, या इस फोटो को देख करके ऐसा लगता है। शोज मी हाउ इट वाज, ये पहले कैसी रही होगी या पहले कैसी थी, ठीक। व्हेन, जब द टू गर्ल कजिन्स पैडलिंग, जो दो गर्ल कजिन थी, दो चचेरी बहनें थी, वो पानी में छपाक छपाक करके जो है पानी में अटखेलियाँ करते हुए चल रही थी, तब की फोटो के बारे में चर्चा कर रही हैं। ईच वन, और जो चचेरी बहनें थी, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी मम्मी के जो है एक एक हाथ को पकड़े हुए थी, मतलब एक ने दाहिना हाथ पकड़ रखा था, एक ने बायां हाथ पकड़ रखा था। आपकी जो कोटेशन सरली टॉमसन वो जो है बीच में है, और उनका जो है दाहिना हाथ एक लड़की, एक चचेरी बहन, बायां हाथ दूसरी चचेरी बहन ने पकड़ रखा हुआ है, और पानी में छुपा छुपा करके अटखेलियाँ खेल रही, ठीक उसी प्रकार की वही फोटो है। उसी फोटो को सरली टॉमसन देख करके याद कर रही कि वह उस समय कैसी प्रतीत होती रही होगी जो है, या उस समय मेरी माँ कैसी दिखती रही होगी, उसी को जो है उस सारी स्मृतियों को ताजा कर रही है। एंड और सी द बिग गर्ल, और मेरी मम्मी जो थी जो है उन चचेरी बहनों में जो है सबसे बड़ी थी, मतलब कि जो है दो चचेरी बहनें थी, उसके बाद जो उनमें सबसे बड़ी थी वो मेरी मम्मी थी। सम 12 ईयर आर, तब की तस्वीर है जब आपकी पोएटिस की माँ, जो आपकी कवित्री की माँ है, वो लमसम जो है 12 साल या उसके लगभग रही थी, जब समुद्र के तट पर छुट्टियाँ मनाने के लिए गई हुई थी, तो वो 12 साल की लमसम थी। ऑल थ्री, वो तीनों पोएटिस की मदर और उनकी दो चचेरी बहनें स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। वे तीनों जो है, तो चाचा जो अंकल जो है कैमरा लिए हुए खड़े थे, अपने बालों में से मुस्कुराते हुए उन्हीं को देख रही थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। जो अंकल कैमरा लिए है उन सबकी तस्वीर को खींचने का प्रयास कर रहे थे, उन सबकी तस्वीरों को कैद करने का प्रयास कर रहे थे अपने कैमरे में जो है, उन्हीं को अपने बालों के जो है झुरमुट से जो है, अपने रेशमी बालों की झुरमुट से जो है देखने का प्रयास कर रही थी, निहारने का प्रयास कर रही थी, ठीक। अ स्वीट फेस, स्वीट फेस एक प्यारा चेहरा, एक मधुरी चेहरा जो है अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। माई मदर्स, मेरी माता का एक जो है बहुत ही प्यारा चेहरा, दैट वाज बिफोर आई बार, ये तब की जो है फोटो है जब मैं पैदा ही नहीं हुई थी। आपकी पोएट्रेस कह रही हैं कि एक मधुरी चेहरा जब की वो फोटो है, जब हम लोग जो है हम जो है दुनिया में आई ही नहीं थी, जो है आपकी पोएट्रेस का जन्म नहीं हुआ था, तब की फोटो के बारे में चर्चा करें। एक बार फिर से देख लीजिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड उस जो है फोटो को देख करके, उस चित्र को देख करके मुझे प्रतीत होता कि कैसी रही होगी, कैसी थी जो है। व्हेन टू गर्ल्स कजिन्स पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, जब दो चचेरी बहनें जो है मेरी मम्मी के एक एक हाथ को पकड़े हुए पानी में छपाक छपाक करके अटखेलियाँ खेल रही थी, पानी में छपाक छपाक करके चल रही थी। एंड सी द बिग गर्ल, और उसमें जो सबसे बड़ी लड़की थी वो मेरी माँ थी। सम 12 ईयर आर सो, लगभग 12 साल या उसके जो है आसपास की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तीनों लड़कियां जो आप पोएटिस की मदर थी, उसके बाद उनकी दो चचेरी बहनें, तीनों जो है अपने बालों के झुरमुट से जो अंकल कैमरा लिए खड़े थे उन्हीं को मुस्कुराते हुए देख रही थी। अ स्वीट फेस, जो आपकी पोएटिस है कह रही कि अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी मम्मी का वो प्यारा चेहरा, एक मधुर जो है चेहरा, दैट वाज बिफोर आई वाज, वो तब का था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ओके, आइए आगे। स्टूडेंट्स आइए अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फर्दर द पोएट सेज दैट एंड सी द सी
which appears to have changed left. सी मतलब समुद्र, जिस समुद्र पर आपकी पोएटस की मदर और उनकी दो चचेरी बहनें छुट्टियां मनाने के लिए गई, छुट्टियां बिताने के लिए कह रही हैं गई हैं, वहां पे उस सी के बारे में, समुद्र के बारे में कहा जा रहा है कि इन द सी, और उस सागर, वो समुद्र, व्हिच अपीयर, जो दिखता है, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड लेस, जो बहुत ही कम बदला हुआ प्रतीत होता है, जिसके अंदर बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है, ठीक है। वास्ट डियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, वाज मतलब धोता है, डियर मतलब उनके, आपकी पोएटस की माँ और उनकी जो दो चचेरी बहनें उनके, टेरिबली मतलब अत्यधिक, ट्रांसिएंट मतलब अल्पकालिक, शॉर्ट लिव्ड, फिर उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को जो है धोता है, पैरों को पखाड़ता है। फिर से देख लीजिए, इन द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वो सागर व्हिच अपीयर्स, जो प्रतीत होता है, जो दिखाई देता है, टू हैव चेंज्ड लेस, जिसके अंदर बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है, वास्ट डियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को, आपकी पोएटस की मदर और उनके जो है दो चचेरी बहनों को, उनके पैरों को जो है धोता, ठीक। सम 20-30 ईयर्स लेटर, सम 20 20 या 30 साल बाद, जब आप ये बात तब की, अब यहाँ पे लाइन जो लिखी जा रही है, ये उस समय जो है आपकी पोएटस की जो मदर है वो भी है, आपकी पोएटस कह रही है, जब जो है वो फोटो तस्वीर जब जो है खींचने के लिए जो है वहाँ पे समुद्र के किनारे जो है समुद्र के किनारे बीच पे गई हुई थी, उसके 20 से 30 साल बाद सी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स तस्वीर, स्नैप मतलब भी तस्वीर होता, फोटो होती है, उस फोटो को देख करके, उस तस्वीर को देख करके सी डिड लाफ, वो हंस पड़ी। सी मतलब देखो, बेटी, उनमें जो तो चचेरी बहनें थी उनमें से एक का नाम क्या था, बेटी था, और दूसरे का नाम डॉली था, जो दो चचेरी बहनें इनकी मदर की, जो आपकी सरली डाउसन की मदर की जो तो दो चचेरी बहनें थी, उनमें से एक का नाम क्या है, बेटी है, और दूसरे का नाम क्या था, डॉली था। आई की मदर थी सी डिड लाफ, हंस पड़ी एट द स्नैपशॉट, उस फोटो पर, फोटो को देख करके, अब कह रही है सी बेटी, बेटी को देखो एंड डॉली, और बेटी और डॉली को देखो, सी डिड से उन्होंने कहा जो है एंड लुक, और देखो, और क्या देखना है, हाउ दे, कैसे उन्होंने ड्रेस्ड, या कैसे हम लोगों ने जो है अपने आप को जो है कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है, फॉर द बीच, समुद्र तट पर छुट्टियां बिताने के लिए, समुद्र के जो है सी बीच पर छुट्टियां बिताने के लिए कैसे कैसे कपड़े हम लोगों ने पहने हुए हैं, उन सारी चीज़ों को याद करके जो कहेंगे, देखो देखो जो है कैसे हम लोगों ने ड्रेसअप किया हुआ था अपने आप को, कैसे बेटी और डाली हंस रही है, इन सारी चीज़ों को उनकी मदर याद करती। द सी हाली, समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टियाँ जो है वाज हर पास्ट, उनकी मदर के लिए जो बीती बात हो चुकी, क्योंकि 20-30 साल पहले की घटना थी, जब आपकी जो है पोएटस की जो मदर थी, उनकी दो चचेरी बहनें थी, वो गई थी छुट्टियाँ बिताने, उसी के 20-30 साल बाद वो फोटो देखी जा रही है, और आपकी पोएटस कह रही सी हाली ने समुद्र तट पर बिताई गई छुट्टियाँ वाज हर पास्ट, उनकी माता के लिए जो है एक बीती बात, एक बीती स्मृति हो गई थी। माइंड इज हर लाफ्टर, और आपकी पोएटस कह रही कि मेरे लिए उनकी हंसी, लाफ्टर मीन्स हंसी, मतलब कि लगभग 20 या 30 साल हो भी गया जो है मुझे अपनी माँ को जो है हंसे हुए देख। बोथ राई बहुत चिंतित होते थे विद द लेबर ही जाट लास्ट, इस जो है परिघटना पर, इस सामान जो है घटना पर जो है दोनों आपकी पोएटिस की मदद बहुत ही जो है कम, बहुत ही थोड़े समय के लिए सामान्य दिखने का प्रयास कर पाते थे, बहुत ही कम अवसरों पर सामान्य दिखते थे। आइए अब आगे देखते, ठीक डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम नेक्स्ट लाइन से देखते हैं, इस कंक्लूडिंग लाइन, कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम। इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स As that girl lived, आपकी पोएटेस सरली टाउसन कह रही हैं कि now she has been dead, अब वो मर चुकी हैं, अब मृत्यु हो चुकी है उनकी, नियरली लगभग as many years, उतने साल as that girl lived, इतने साल वो लड़की जीवित थी,
मतलब कितने साल जब ये अब फोटो देखी जा रही है आपके कोइटिस द्वारा, अभी कोइटिस सर्ली टॉप्सन के द्वारा, तब वो कह रही हैं कि आज जब उनकी माता को, उनकी माता जी को मरे हुए मृत्यु को प्राप्त किए हुए लगभग उतने साल हो गए जितनी साल वो जीवित थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इस परिस्थिति को देखते देख करके जो है, और इस घटना पर देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। मतलब कि जब वो फोटो देखती हैं, वो स्नैपशॉट देखती हैं जिसमें उनकी मम्मी बीच में खड़ी हैं और उनकी दो चचेरी बहनें उनके दोनों हाथों को पकड़े हुए हैं इस तरफ से और खेलिया करते हैं, उनकी चाचा ने तस्वीर कैद की है, उस घटना को देख करके कहती हैं कि देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब इस परिघटना के बारे में, पूरी घटना के बारे में उनसे कुछ नहीं कहा जाता, हमसे कुछ नहीं बोला जाता है। इट्स साइलेंस साइलेंस, इस तस्वीर की जो चुप्पी है, जो शांति है साइलेंस, वो मुझे शांत कर देती है, वो मुझे चुप कर देती है। वेरी वेरी फिलोसफिकल लाइन, इट्स साइलेंस साइलेंस, इस फोटो की, तस्वीर की जो चुप्पी है वही मुझे शांत कर देती है। डियर स्टूडेंट्स, द कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम, द थीम ऑफ द पोएम इज दैट लाइक इज अ स्मॉल गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ, जीवन जो है आपका वो जन्म और मृत्यु के बीच का एक छोटा सा गैप है, एक छोटा सा रिक्त स्थान है। एंड लाइक इज अ ड्राई कप, एक सूखे हुए प्याले की तरह है, व्हिच पीपल ट्राई टू सी। आशा करते हैं कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे अधिक से अधिक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस।